नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं कृतिका राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए एक नज़र डालें आज की ताज़ा खबरों पर। शरद पाटिल झांबरे, पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग, मतदार नोंदणी अभियान अमरावती अकोला वाशिम बुलढाणा यवतमाळ। अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटिल झांबरे, पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग। जिला परिषद में बीजेपी की बल्ले बल्ले, युवा महोत्सव में कलाकारों ने बिखेरे कला के रंग, और शिवपुराण कथा का भव्य आयोजन जल्दी। अब समाचार विस्तार से। विगत कई वर्षों से पंचायत समिति पर वंचित बहुजन आघाड़ी का दबदबा है, लेकिन इस बार वंचित को झटका तब लगा जब सभापति पद के लिए आरक्षण ड्रॉ गुरुवार को निकाला गया, जिसमें सभापति पद अन्य प्रवर की महिला के लिए आरक्षित हो गया, यानी कि अनुसूचित जमाती महिला प्रवर के लिए ये आरक्षित हो गया। क्योंकि इस कैटेगरी की एकमात्र सदस्य केवल भाजपा की सुलभा सोलंकी होने की वजह से उनका सभापति बनना लगभग तय माना गया था, और जैसे कि तय माना गया था, और आज सभापति पद का चयन प्रक्रिया ली गई जिसमें वो निर्विरोध चुनी गई। आज इस चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी को दो सभापति और दो उपसभापति मिले, जिसमें पंचायत समिति अकोला में सुलभाताई सोलंकी, इसके अलावा बार्षी टाकली में सभापति पद पर सुनंदाताई मानतकर, उपसभापति संजय चौधरी, आकोट में उपसभापति संतोष शिवरकर, ये निर्विरोध चुने गए, जिसकी वजह से बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। इसके लिए सांसद संजय धोत्रे इनके नेतृत्व में विधायक रणधीर सावरकर, विधायक हरीश पिंगली, प्रकाश भारसाकले, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक वसंत खंडेलवाल, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, इनके कुशल मार्गदर्शन से ये सब संभव हो पाया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जमकर जश्न मनाया, जिसमें ढोल ताशों के ताल पर जमकर गुलाल उड़ाया गया और जमकर आतिशबाजी की गई। इस जीत को लेकर विधायक रणधीर सावरकर इन्होंने जानकारी दी। सोळंके त्या पंचायत समितीच्या सभापती निवडून आल्या, मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। त्यापेक्षा जास्ती एका गोष्टीचं मला कौतुक आहे की भारतीय जनता पक्ष एकसंघ त्यांच्यासोबत होता। आज हे जे भारतीय जनता पक्षाला दिवस दिसून राहिले, त्याच्यामध्ये स्वर्गीय भाऊसाहेब फुंडकर, आमचे विद्यमान खासदार संजीव धोत्रे, हेजरा पाटील, विजयगराल, असे अनेक जुने जाणते लोक आहेत की ज्यांच्या मेहनतीमुळे हा पक्ष टिकून राहिला। आम्ही त्या मानानं खूप चांगल्या काळात जिल्हाध्यक्ष झालो आणि म्हणून त्यांचे आभार मानतो। आणि पुढील वाटचाल करत असताना भारतीय जनता पक्षाचे सभापती जरी असले तरी आता तुम्हाला अकोला तालुक्यातील 10 सर्कल आणि तिथल्या 1.5-2 लाख लोकांचं नेतृत्व करायचं आहे, आणि म्हणून पक्ष भेद विसरून सामान्य माणसाचे कामं त्या पंचायत समिती होतील। आणि महत्त्वाचं म्हणजे पांडे गुरुजी कामं होत असताना 1 रुपया न घेता कामं होतील, हे महत्त्वाचं आहे। त्यांना परत त्यांच्या पुढील वाटचालीत शुभेच्छा देतो। ईश्वर त्यांना आरोग्यही देवो आणि खूप चांगले कामं त्याच्या हातून हो अशी सदिच्छा व्यक्त करतो। आणि या सरळ घडामोडीमध्ये आदरणीय आमचे बावनकुळे साहेब, आमचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि आमचे नेते गडकरी साहेब यांचं मोलाचं सहकार्य होतं, हे अधोरेखित इथं करावंच लागेल। की परत एकदा अकोला तालुक्यातील सर्व जनतेचे मी मनापासून आभारी मानतो। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से तहसील और जिला स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। इस उत्सव के माध्यम से ग्रामीण और तहसील स्तर के बहुगुणी कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार अवसर मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा केंद्र को पहल करनी चाहिए, ये प्रतिपादन जिलाधिकारी निमा अरोरा ने युवा महोत्सव के दौरान किया। वे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी। आबा साहेब खेड़कर सभागृह में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जिलाधिकारी निमा अरोरा ने अध्यक्षीय संबोधन में युवा कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए पहल करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उप जिलाधिकारी
सदाशिव शेलार, जिला क्रीडा अधिकारी चंद्रकांत उपलवार, जिला समन्वय अधिकारी गजानन महल्ले, नेहरू युवा केंद्र के महेश सिंह शेखावत आदि उपस्थित थे। युवा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तरीय कविता प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार टीना विनोद वानखड़े, द्वितीय पुरस्कार पायल कड़ू, तृतीय पुरस्कार हर्षदा इंगले ने प्राप्त किया। जबकि जिला स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम सुमित चाहटे, द्वितीय स्थान तनिष खोपे, तृतीय स्थान तृप्ति शर्मा को मिला। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान साक्षी साबले, द्वितीय स्थान अश्विनी भरनी, तृतीय स्थान सूरज डोंगरे को मिला। वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार साक्षी भोपले, द्वितीय पुरस्कार सानिया खान, तृतीय पुरस्कार वैष्णवी राठौर ने प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन विशाल राखुंड ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन नेहरू युवा केंद्र के महेश सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में परीक्षक, कलाकार एवं दर्शक उपस्थित थे। अकोला शहर यानी कि राज राजेश्वर की नगरी, जहां शिव भक्तों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए पूरे भारत वर्ष में कावड़ महोत्सव केवल अकोला में ही मनाया जाता है। और इसी राज राजेश्वर नगरी में अंतरराष्ट्रीय प्रवचनकार तथा शिव महापुराण कथा के कथावाचक पूजनीय प्रदीप मिश्रा सिहोरवाले की 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन राज राजेश्वर नगरी में किया जा रहा है। भव्य रूप से होने वाली इस शिव महापुराण कथा के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस तरह की जानकारी स्थानीय अग्रसेन भवन में शनिवार को आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। राज राजेश्वर नगरी को संतों की चरण धूलि प्राप्त हो और इनके वास्तव से पुनीत नगरी के रूप में इसे जाना जाता है। जिले भर में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसी कड़ी में 5 मई से 11 मई के दौरान सभी के मन में शिव जी की महिमा को जागृत करने वाले पूज्य प्रदीप मिश्रा सेवर वाले इनकी सुमधुर वाणी में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन पातुर महेशपुर रोड के महामार्ग पर 70 एकड़ के खुले खेत में किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु में राज राजेश्वर नगरी में हो रही इस भव्य शिव महापुराण कथा से सभी का कल्याण हो, इस उद्देश्य से इस कथा का आयोजन किए जाने की जानकारी आयोजकों द्वारा पत्रकार परिषद में दी गई। अकोला महानगर में पहली बार इतने भव्य प्रमाण में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा श्रवण करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निवास की व्यवस्था भी निशुल्क की जाएगी। वाहन स्थल, शीतल जल, गर्मी से परेशानी न हो, इसके लिए कूलर के साथ ही कथा स्थल पर स्टॉल की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। इस कथा के 7 दिनों में प्रतिदिन विविध झांकियों की प्रस्तुति की जाएगी। इसके अलावा संगीतमय वाद्य मंडली महाराज के साथ अपनी प्रस्तुति देगी। पूज्य मिश्रा जी ने देश और विदेश में अपनी आकर्षक और सभी को भक्तिमय बनाने वाली शैली के जरिए भागवत कथा और शिव महापुराण कथा का प्रवचन घर घर पहुंचाया है। इस भव्य आयोजन के नियोजन को लेकर विविध समितियों का गठन किया गया है। साथ ही इस कार्य में शहर के सेवाभावी, सांस्कृतिक और धार्मिक मंडल, संस्था, महिला मंडल, युवक मंडल इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी सेवाभावी मंडलों, युवाओं को अपना सहभाग जताने का आह्वान भी इस अवसर पर किया गया। शहर के चौरसिया और दुबे परिवार की ओर से इस शिव महापुराण कथा का व्यवस्थापन अर्जुन समाज गणेश उत्सव मंडल की ओर से किया जा रहा है। इस पत्रकार परिषद में शिव महापुराण कथा के आयोजक शांति कुमार चौरसिया, नीलेश चौरसिया, संदीप चौरसिया, रूपेश चौरसिया, पंकज चौरसिया, विजय जगदीश प्रसाद दुबे आदि परिवार के सदस्य और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। यहाँ पत्रकार पाए आप सिटी जंक्शन के, इतने लोगों को धन्यवाद और सभी पत्रकारों को धन्यवाद। हमारा जो आयोजन है ये शिव महापुराण का, प्रदीप जी मिश्रा इनके द्वारा, शिवर वाले इनके द्वारा यहाँ प्रवचन होने वाला है। शिव महापुराण जो कथा होने वाली है उसका सभी अकोलावासी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ ले। महिला मंडल विशेष तौर पे परम भक्त है इनकी, मिश्रा जी की, तो वो भी, इनको भी इस माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि वे भी पधारें और वहाँ सभी प्रकार की हम सुविधा, जाने आने की सुविधा का भी हम ख्याल रखने वाले हैं। सब कोशिश शुरू है, प्रयत्न शुरू है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आपको जो भी अगर पूछना भी है कोई बात, तो नंबर भी दिए हुए हैं और आपको जो भी यहाँ उसमें समय समय मार्गदर्शन भी दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। अपना परिचय। विजय दुबे, महेशपूर। ही जी कथा होणार आहे अकोल्यापासून 9 किलोमीटरवर होणार आहे, महेशपूरवरून वाशिमवर गाव आहे आणि या कथेचं 5 मे ते 11 मेपर्यंत होणार आहे। याच्यात येणारी लोकसंख्या कमीपण 3 ते 4 लाख लोकसंख्या राहणार आहे।
आणि कथेत प्रसाद रोज भोजन फ्री राहणार आहे. कथेत उन्हाळा असल्यामुळे कूलर मंडप मोठा आहे आणि प्रत्येक सुविधा प्रत्येकाचा विचार करून उन्हाळ्याचा जे काही चांगल्यात चांगल्या केल्या जाणार आहे ते सुविधा आम्ही देऊ. दुबे परिवार चौरसिया परिवार यांच्या माध्यमातून ही शिवप्राण कथा अकोल्याच्या तकदीरांना नशिबाने मिळेला आहे. चांगलं भव्य आहे, चांगलं कार्यक्रम कसं होईल याच्यासाठी आम्ही सतत प्रयत्न करू. महाराष्ट्र गुंडेवारी विकास अधिनियम 12 मार्च 2021 के तहत अकोला मनपा क्षेत्र में गुंडेवारी भूखंड इमारतों को नियमानुकूल करने की ऑनलाइन पद्धति से प्रस्ताव स्वीकारे जा रहे थे, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से 15 दिनों के लिए ऑफलाइन पद्धति से प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है. इस अवसर का गुंडेवारी धारक 10 नवम्बर तक लाभ उठाए, इस तरह की अपील मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी द्वारा की गई है. आपको बता दें कि गुंडेवारी नियमानुकूल के लिए अकोला महानगर पालिका की ओर से ऑनलाइन प्रस्ताव स्वीकारने की वेबसाइट कार्यान्वित की गई, लेकिन वेबसाइट में तकनीकी खामियां आने की वजह से प्रस्ताव मंजूरी में तकनीकी खामियां आ रही थी. विलंब के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए इसे देखते हुए मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी के आदेश पर नागरिकों की सुविधा के लिए निर्धारित अवधि तक ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारने का निर्णय लिया गया. 17 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कार्यालयीन दिनों में गुंठेवारी नियमानुकूल के प्रस्ताव पर मनपा नगर रचना सहायक संचालक कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय में स्वीकारे जाएंगे. 10 नवंबर के बाद कोई भी ऑफलाइन प्रस्ताव स्वीकारा नहीं जाएगा. इस पर संबंधित नागरिक, वास्तु विशारद, अभियंता, सर्वेयर, आरेखक गौर करें, इस तरह की अपील मनपा प्रशासन की ओर से की गई है. जिले के 23 पुलिस स्टेशन में कार्यरत तथा अपनी सेवा का कार्यकाल एक ही स्थान पर पूर्ण करने वाले पुलिस कर्मचारियों के तबादलों की सूची शनिवार को घोषित की गई. माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने शनिवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए. कुल 348 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए गए. इससे पूर्व पुलिस कर्मचारियों की पेशी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई थी. पुलिस कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर तबादले की जगह को लेकर चयन का अवसर भी दिया गया था. निकषों में बैठने वाले तथा तबादले के लिए पात्र पुलिस कर्मचारियों के तबादले अब कर दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि संबंधित पुलिस कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त कर अपनी नई तैनाती पर रवाना कर दिया जाए. शनिवार को दिनभर पुलिस विभाग में तबादलों के बाद दिखाई देने वाली हलचल नजर आ रही थी. स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त में राज्य के 75 वर्षों से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को राज्य परिवहन महामंडल की बसों में निशुल्क यात्रा योजना का लाभ दिया जा रहा है. अकोला विभाग के अंतर्गत अकोला जिले में इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों द्वारा व्यापक प्रतिसाद मिल रहा है. सितंबर माह में 5 डिपो की बसों से करीब 71,160 वरिष्ठ नागरिकों ने निःशुल्क यात्रा की. राज्य के 75,000 से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को एसटी बस से निःशुल्क यात्रा देने वाली योजना 26 अगस्त से शुरू की गई है. इसके अंतर्गत जिले के 5 डिपो की एसटी बसों से प्रतिदिन हजारों वरिष्ठ नागरिक यात्रा करते हैं. इन यात्रियों का पंजीयन हो सके इसलिए उन्हें 0 रकम का टिकट भी दिया जाता है. कंडक्टर के पास नई डिजिटल मशीन में 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को एक विकल्प है जिसके जरिए 0 रकम का टिकट दिया जाता है. अकोला डिपो नंबर 2 से सबसे अधिक वरिष्ठ यात्रियों ने यात्रा की है, जबकि मूर्तिजापुर डिपो में सबसे कम वरिष्ठ लोगों ने यात्रा की है. महानगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 यानी कि जेतवन नगर खदान परिसर के नागरिक नर्क यातना भोगने के लिए विवश हो चुके हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ के नाले का गंदगी युक्त पानी लोगों के घरों में घुसता है. इस नाले के पानी की निकासी की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस वजह से ये पानी लोगों के घरों में घुसता है, जिसमें विषैले जीव जंतु भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के साथ जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है. खासकर बच्चे और बुजुर्गों पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि मच्छरों का प्रादुर्भाव भी बढ़ रहा है और डेंगू मलेरिया के मरीज भी इस परिसर में बढ़ने लगे हैं. कहने के लिए ये वार्ड 4 सदस्यीय है, लेकिन कोई भी पार्षद नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने का इच्छुक नहीं है, जिसको लेकर नागरिकों में पार्षदों और मनपा प्रशासन को लेकर गहरी नाराजगी है, क्योंकि इस समस्या को लेकर मनपा में भी कई बार निवेदन दिया जा चुका है, बावजूद इसके इस समस्या को किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की, इसे गंभीरता से नहीं लिया है. अगर इस समस्या की ओर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया और इसे सुलझाया नहीं गया तो तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी परिसर के नागरिकों ने सिटी जंक्शन से बोलते हुए दी है.
माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष पुलिस दल ने समीप के अंबिकापुर खेत परिसर के ढाबे पर छापा मारकर गांजा के 10 छोटे पौधे जिनका वजन 120 ग्राम है इसे जब्त किया। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि अंबिकापुर खेत परिसर में एक ढाबे के पास गांजा के छोटे पौधे लगाए गए हैं और इसे निकालने वाले गांजे की बिक्री की जाती है। विशेष पुलिस दल ने दो पंचों को साथ लेकर छापा मार कार्रवाई करते हुए गांजे के 10 छोटे पौधे जिनका मूल्य 5,000 रूपए है उन्हें जब्त किया। पुलिस ने इस कार्रवाई में आरोपी रोशन राम नारायण बामन निवासी बापूनगर आकोट फैल के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत बुर्गा मुंजी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। शरद पाटिल झांबरे पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग मतदार नोंदणी अभियान अमरावती अकोला वाशिम बुलढाणा यवतमाळ अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाच्या यादी आपल्या नावाची नोंद करा। शरद पाटील झांबरे पदवीधर मतदार संघ अमरावती विभाग। जिल्हा परिषद में BJP की बल्ले बल्ले। युवा महोत्सव में कलाकारों ने बिखेरे कला के रंग और शिव पुराण कथा का भव्य आयोजन जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात।